टक यूं करके चले जब उठे खींच के सबसे पहले तो आपको नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि ये साल आपके लिए मतलब पिछली जो साले रही है तो तीन उस जैसा ना रहे। कोविड से छुटकारा मिले लोगों को और भगवान आपको हर एक चीज दे जिसकी आपको जरूरत है। हम भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि इस साल मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, मैं ज्यादा व्लॉग्स बनाऊंगा। तो उसमें क्या रहेगा कि बस आपको क्या करना है, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा मेरे को। अगर थोड़ा सा इससे पता चलता है कि कितना कितना ज़्यादा चल रहा है, कितनी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस देखनी। तो हम अगर आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और कमेंट्स आते हैं लोगों की कि ऐसा नहीं ऐसा करो, कुछ चेंजेस करने होते हैं वीडियोस में, तो उससे ना नई नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी आपको मौका मिलता है तो बस डाल दो वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो हर वीडियो में कि क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं। तो इस साल मतलब ये मैंने अपने आप से पढ़ लिया है कि चलो भाई इस बार से हम कंटिन्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगा जितनी मेरे से हो सकेगी हम वीडियोस डालेंगे। मेरे पास मतलब जॉब चलती है यार, 5 दिन जॉब होती है तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं होता है, आप क्रिएट नहीं कर पाता, थक जाता है बंदा यार। तो पर बहाने नहीं बना रहा हूँ मैं, बट इस बार मैं जेन्युइनली ट्राई करूंगा जितनी ज़्यादा वीडियोस बना सके हम उतनी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, बहुत कुछ ट्राई करेंगे और भी नई नई चीज़ें। बस आपका यही काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए तो और शेयर करिए जितना जितना हो सकता है। उससे बस वो होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा और ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जब जाते ही ना वो इतना बड़ा पहाड़ ऊपर से दादा की गाड़ी विकासपुरी मार्केट हम रुके जलेबी लेने थे, वहाँ फेमस जलेबी थी, कहीं से रुके वहाँ पर गाड़ी बंद, मैं धक्का मारने वाला रोड में, मैं कहीं तो आगे दिख रहा हूँ चलते क्या आगरा दिल्ली कॉम्पिटिशन जी बैंगन बना रहे मोटी पेंच नहीं है ना, कौन भरते वाला बैंगन बना रहा है, कौन सा बना रहा है, मिक्स वेज वाला भरते वाला है ये शिवत्रु त्रिंदर का आर्टिस्ट तो अच्छा का हमारे को पता नहीं था ये कला भी है तेरे में। क्या बना दोबारा से बोलियो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर ब्रिंजल, ओबरजीन, ए फॉर ओबरजीन, सी जो वाला सपोर्ट करता हूं तू जो है क्या सिलेंट्रो सिलेंट्रो नहीं सारे सिलेंट्रो यार फ्रूट का नाम बताओ सी से कोई चेरी जनवरी में बारिश हो रही है यार, अभी बर्फ होती है इस टाइम, माइनस कम से कम माइनस 15 से 20 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर और अभी पॉजिटिव में चल रहा है। गाइस आपको मैं बता दूं, वैसे तो कीड़े मेरे अंदर के जो क्रिकेट के कीड़े हैं वो कभी सोते नहीं है, बट जब इंडिया मैच जीत जाए किसी दिन उस दिन तो भाई ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं थोड़े, बिल्कुल जाग जाते हैं एकदम से, फिर मैं सीधा बेसमेंट पे आता हूँ और धमाधम फ्री टाइम जब भी मिलता है तो अपन इधर आते हैं और बढ़िया टाइम पास होता है। गाइस अभी सो के उठा हूँ मैं यार, पांडे का मैसेज आया कि गाड़ी में बाहर चलान लगा हुआ है क्योंकि मैंने कल रात में बाहर लगा दी थी गाड़ी, पता नहीं किस चीज़ का चलान है साला। जब बर्फ होती है पड़ी हुई, अभी पिछले हफ्ते इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ी थी तो कोई रोड साफ करने भी नहीं आया था और आज भाई कुछ नहीं है वहाँ, खाली रोड, बारिश हुई है पिछले 2-3 दिन से, बर्फ का एक तिनका नहीं दिख रहा और चलान करके चले गए भाई लोग। और रात में यहाँ पे जगह नहीं थी सुबह पार्किंग में और तो मैंने यहाँ बाहर लगा दी, बर्फ का भाई तिनका भी नहीं दिख रहा है और चलान चिपका दिया है गाड़ी में सारे। जिस दिन बर्फ होती पड़ी हुई उस दिन आते नहीं है, वार्निंग वाली, ओ भाई बच गए, चला नहीं है वार्निंग दे के छोड़ा साले, वार्निंग जिस दिन तो बर्फ होती है पड़ी उस दिन आता नहीं है कोई, फुल रोड भरा हुआ था यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हम। आज दिन के बज रहे हैं 2:30 और अभी जा रहे हैं जिम भाई, दिन को जिम ऐसे ही होता है जब छुट्टियाँ होती है तो आप लेट सो के उठते हो, लेट सोते और फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। टोला भी कम हो गया थोड़ा यार, कम क्या बचा ही नहीं है कुछ यार, मेरे को होता है कॉन्ग्रेट्स टिकट करा दी बोले, मैं कहा कब की, बोले बाहर जा गाड़ी में देख 5 मिनट तो गालियाँ मारी मन ही मन में और फिर जब बाहर गया फिर देखा वार्निंग बच गया फिर सांस में सांस आई। अब बर्फ पड़ी ना और बाहर किसी की गाड़ी लगी हो तो छिल दिए जाएंगे, एक बंदी है
सात दिन काम करती हूँ, 12 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट होती है उसके हर दिन। अब जिस भी टाइम पे जाएगी वो बंदी वहीं बैठी, स्केड्यूल बढ़िया मैच करके रखा बढ़िया। ये बंदे कब आते हैं, इनसे तो इनको हेलो बोलने बोलना, इनको हेलो बोलने बोलना। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कच्चे में ना आया कर, लोअर पहन ले देख ले, प्रोटेक्शन फुल रखा कर। वो एक बंदा होता था अपने टीम पे होता था, याद है तेरे को? क्या नाम उसका, क्या नाम था उसका, डिलन भाई। वो बंदा इतना क्रेजी बंदा था ना, वो बंदा कच्चे में आता था भाई, इस बच्चे से लिख रही, वो बंदा बाहर ही है कच्चे में। और ऐसे नहीं कि हम हमारे पास हमारे को ठंड लग रही हो तो हम भाग के जाते हैं कि अंदर चलो भाई, वो बंदा इतना चिल होकर चलता था, बस जेब में हाथ डाले हुए चला रहता था। यहाँ पे हर क्वालिटी के बंदे मिलेंगे, हर क्वालिटी के बंदे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले बहुत सारे लग रहे हैं आज, पार्किंग फुल भरी हुई भाई दिन में 2 बजे भी, बॉडी तो बना के जाऊंगा भाई। यही हमारा भी मोटिव था, लेकिन पहले 4 दिन तो निकल गए हैं। आज के बाद 2 चीजें कंटिन्यू रहेगी, गेस व्हाट, जिम एंड व्लॉगिंग। जो सेकंड चीज थी ना, दैट्स व्हाट आई एम सीरियस अबाउट राइट नाउ। जिम जाए ना जाए, लेकिन जिम जाए ना जाए, लेकिन व्लॉग्स बनेंगे। और आपका काम क्या है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, नहीं किया तो भाई व्लॉग नहीं बनेंगे। ये बंदा डेली उस साइड से उतरता है, इसको दरवाजा बंद करना होता है, दरवाजा कभी बंद नहीं करता। अरे भाई अगर गाड़ी में आवाज नहीं आई तो दरवाजा बंद नहीं है। आवाज अच्छी आई नहीं थी बल्ले से, वापस 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 दरवाजा बंद करना पड़ेगा बेटे, देख ले कच्चा धारी नाग। यार क्या है ना कि ये चाबी से बंद होता नहीं है, उस भाई उस साइड का लॉक खराब है, इसका लॉक है तो इसमें उंगली मारनी पड़ती है, जब ये लॉक लगेगा। एले एले फिटनेस, इस दिन के 2:30 बजे के हिसाब से तो बहुत ज्यादा रश है भाई, इस टाइम गिना चुना बंदा दिखता है जिम में, बट अभी कम से कम 60-70 बंदा भरा पड़ा है अंदर। अरे यार इस पैर के दर्द ने मेरे को दिमाग खराब कर दिया है मेरा, बास्केटबॉल खेलते हुए ही पैर मुड़ गया था, तो ये बार बार हो जाता है। अभी मैंने बास्केटबॉल तो खेला नहीं, अभी फुटबॉल खेल रहा था पहली गीत में। भाई ऐसे बंदे जो जिम में मिलते हैं ना, ये खुश करवाते हैं। खुद ये 45 मारने वाले हैं, हमारे को बोलते 50 मार ट्राई करना है, मैं 3 सेट मार चुका हूँ भाई 10 दिन बाद आ रहा हूँ। आकाश नाम है भाई का, अपने अपने ब्लॉग रेगुलर देखता है भाई, एक रेप तो मार 45 का को कुछ बात नहीं लाके ये देगा, ध्यान से देख लेना हीरे तो लेंगे सारे। चलो भाई जिम हो गया कंप्लीट, कल के लिए टांगों की तो बैंड बजने वाली है भाई, थोड़ी लाइक ज़्यादा होगी। इसके बाद जाना है, कल हमारी पार्टी है, वर्क पार्टी, क्रिसमस पार्टी है क्योंकि हुई नहीं थी, तो उसके लिए थोड़ा आउटफिट सेलेक्ट करना है। और कनाडा में चल रहा है समर्स, फुल ऑन गर्मी, ये जैकेट तो ऐसी पाया हुआ है, थोड़ी सी हवा चल रही थी। वैसे जिम के बाद मन तो कर नहीं रहा यार बाहर जाने का, तो मैं सोच रहा हूँ कल ही जाएंगे शॉपिंग करने। और कल का व्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने शाम को जाना है पार्टी में, तो उस व्लॉग को मिस मत करना। तब तक के लिए इस वीडियो करते तेरी एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।